गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी स्टडी ऑनलाइन मोड पे, बिकॉज ऑफलाइन पे अपन कंडक्ट नहीं कर सकते बिकॉज COVID-19। ठीक है, तो अब देखिए SST के पोर्शन हमने 6th और 7th में भी रीड किए हैं कि SST के क्या है, 3 पार्ट्स हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन सभी को पता है कौन सा पढ़ते हैं, लगभग स्टूडेंट्स को जियोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, जियोग्राफी स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपके 8th के बुक में हर चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा आपको हर चैप्टर पढ़ने में, समझने में भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंस एंड यूजेस। ठीक है, तो आप सभी को ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स कि हम क्या करते हैं, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में पहले समझते हैं कि चैप्टर किस बारे में बता रहा है। तो देखिए रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें नेचर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, या फिर रिसोर्सेज ये मान सकते हैं, अगर नेचुरल रिसोर्सेज आ जाए तो ये टर्म बहुत ही सही रहेगी। क्या आ जाए, अगर आपके पास आ जाए नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो हम डायरेक्टली इस चीज़ को लिख सकते हैं कि द रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, यानी कि वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर प्रोवाइड करवाता है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। बट यहाँ क्या है, हमारे पास सिर्फ रिसोर्सेज दिए हुए हैं। तो रिसोर्सेज क्या होंगे, एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई अवर नीड, यानी कि हर वो चीज़ जो हमारी नीड को, ठीक है, हमारी ज़रूरत को पूरा करे वो क्या है, रिसोर्स है। वापस देख लो स्टूडेंट्स कि रिसोर्स एक्चुअली में है क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं वापस रिपीट करती हूँ कि रिसोर्स है क्या। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, वापस आपको रिपीट कर देती हूँ कि रिसोर्स एक्चुअली में होता क्या है। तो रिसोर्स स्टूडेंट्स, रिसोर्स देखिए एनीथिंग, अब लिखिए मेरे साथ, एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज रिसोर्स। मतलब कुछ भी जो हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरत को पूरा करे वो क्या है, वो रिसोर्स है। ठीक है, अब रीड करते हैं चैप्टर को, चैप्टर का नेम तो ये था, अब रिसोर्सेज की ज़रूरत क्या है, ठीक है, ये सब हम रीड करेंगे और वो कैसे हम उनको यूज़ करते हैं ये भी। तो द सब्सटेंसेस प्रोवाइडेड बाय नेचर विच सेटिस्फाई आवर नीड एंड आर यूज्ड बाय अस आर नोन एज रिसोर्सेज। और एक्चुअली में आजकल क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स दिया ही बहुत कम होता है, तो रिसोर्स को ही क्या मान लेते हैं हम। देखिए ये है कि कोई भी ऐसी चीज़, लेकिन हमें दोनों जो टर्म्स हैं साथ में बोलनी पड़ेंगी कि क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, और क्या है, और उसे क्या, कौन प्रोवाइड करवाए, नेचर प्रोवाइड करवाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिसोर्सेज होगा। द बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज, जो बहुत ही ज़रूरी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड है, मैंने आपको पहले क्लियर किया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, नेचर के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और रिसोर्सेज क्या हैं, वो कोई भी चीज़ जो हमारी नीड सेटिस्फाई करे। दोनों डिफरेंस सिमिलर हैं स्टूडेंट्स, बस नेचर प्रोवाइड करवाए तो नेचुरल रिसोर्स, रिसोर्सेज हमें खुद भी प्रोवाइड करते हैं हम। ठीक है, तो एयर, वाटर, मिनरल्स, अब देखिए बिना हवा के हम जिंदा रह सकते हैं, वी कैंट लिव विदाउट एयर, है ना। तो इसी टाइप से है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, वाटर भी हमें बहुत ज़रूरी है, सोयल, लैंड जहाँ हम रहते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब वो नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, नेचर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस, और ये सब ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड दे हैव यूटिलाइज्ड देम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और हम लोग क्या करते हैं, हमें जो नेचर रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं उनको हम क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह यूज़ करते हैं, उनका बेस्ट वे निकालते हैं, और जैसे हमें वो सूटेबल लगे हम वैसे ही उसे यूज़ करते हैं। इन यूजिंग दीज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए क्या होता है, बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे वेस्टेज भी होती है। फॉर एग्जांपल हम वुड से पेपर बनाते हैं, अब वुड काटेंगे तभी पेपर बनेगा, अब वुड कितनी वेस्ट हो रही है, मतलब
वुड का काफ़ी पार्ट वेस्ट होता है और नेचुरल रिसोर्स है, वो वेस्ट हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? तो इस टाइप से वेस्टेज भी बहुत होती है नेचुरल रिसोर्सेज को हमारे तरीके से यूज़ करने में। बट टाइम के साथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जैसे जैसे डेवलप हुई, नए नए मेथड्स आए, तो क्या हुआ, जो वेस्टेज है वो आजकल बहुत कम होने लगी है। ठीक है, क्या करते हैं, अगर हमें पेपर बनाना है तो कुछ जो फॉरेस्ट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, उसी फॉरेस्ट एरिया को एक बार यूज़ करते हैं, ताकि पूरे फॉरेस्ट को कवर ना करें, थोड़ा बहुत जितना भी उनको रिक्वायर्ड है वो उतना ही रिसोर्स को यूज़ करें इन अ बेटर वे में। ठीक है, नेचर हैज़ अ प्लेंटीफुल रिजर्व्स, मतलब नेचर के पास बहुत से रिजर्व्स हैं, बहुत से मिनरल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे और बहुत अच्छे तरीके में करेंगे। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स की स्किल है, ठीक है, विच कैन फर्दर लीड टू डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। बट नेचर के पास रिसोर्सेज तो हैं, अगर उनके पास हम जैसे लोग नहीं होंगे, हम नहीं होंगे रिसोर्सेज को यूज़ करने वाले, तो नेचर के इतने सारे रिसोर्सेज का क्या यूज़? इसलिए नेचर के पास रिसोर्स तो है, और उनको यूज़ कौन करता है बेटर वे में? हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट्स, अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड यूजिंग द रिसोर्सेज। जो पहले के लोग थे, अर्ली ह्यूमंस, जो हमसे पहले का टाइम जो चल रहा है, तो उसमें क्या थे, जो लोग थे वो किस टाइप से रिसोर्स यूज़ करते थे, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और उनकी लाइफ को क्या करने के लिए, कंफर्टेबल, इजी बनाने के लिए और लग्जूरियस बनाने के लिए। दे स्टार्टेड यूजिंग ट्रीज, वो ट्रीज़ का यूज़ करते थे वुड के लिए, सोयल का यूज़ करते थे क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ठीक है, फूड का यूज़ करते थे और मिनरल्स को भी निकालने लग गए थे, एक्सट्रैक्ट लैंड सोयल के अंदर। ठीक है, ज़मीन में होते हैं ना मिनरल्स, तो उनको बाहर निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज, पिछले कुछ सेंचुरीज़ में दे मेड मशीन, अब क्या है, मशीन्स बनने लगी हैं, जिससे क्या हो गया है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, गुड्स को बनाना बहुत ईजी हो गया है। मतलब क्या है, एक देखिए सिंपल क्लोथ है, क्लोथ को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, एक क्लोथ को हमें एक यूज़फुल शर्ट में कन्वर्ट करना है, तो वो किन के थ्रू होगा, वो मशीन्स के थ्रू होगा। तो यही ये बात कर रहे हैं कि कुछ पास्ट कुछ सेंचुरीज में क्या है, ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम नेचर, वो क्या करने लगे हैं, वेल्थ यानी कि पैसा भी कमाते हैं नेचर के थ्रू, हैंस वी कैन कंक्लूड। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करे तो वो क्या है, एक रिसोर्स है। तो इस टाइप से रिसोर्स की डेफिनेशन, रिसोर्स के बारे में क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो कल हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था, आप सभी को समझ भी आ गया होगा, और एक बार आप और रीड कर लीजिए ताकि आपको और भी ज़्यादा समझ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बी सेफ बी हेल्दी।